आज लखनऊ की एसपी टीम ने जनपद उन्नाव में एक भ्रष्ट लोक सेवक को पकड़ा है और उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया है 5,000 रुपये लेते हुए। लोक सेवक शिक्षा विभाग में कार्यरत था, वहाँ पे असिस्टेंट के रूप में कार्य कर रहा था। हमें एक असिस्टेंट टीचर ने शिकायत की उसकी ज्वाइनिंग के लिए, और जो चिकित्सीय अवकाश है, मेडिकल लीव है, उसको अनुमोदन कराने के लिए उसके एवज में ये पैसे मांग रहा था। हमने एक टीम बनाई, टीम ने आज उसे रंगे हाथ पकड़ लिया है। ये बिन अरेस्टेड, इसके बाद इसको जेल भेजा जाएगा, सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। इसके अलावा इसमें और भी कुछ संलिप्तता होती है किसी अधिकारी की, जो हमारे संज्ञान में आएगी, तो विवेचना में उसे जनरल रूप कार्रवाई की जाए। मीडिया बंधुओं के माध्यम से इस बात की जानकारी हुई है कि औराज विकास खंड में इस तरीके का एक प्रकरण सामने आया है और एंटी करप्शन टीम संबंधित बाबू को अपने कस्टडी में लेकर गई है। इस तरह की तमाम शिकायतें पहले भी शिक्षा विभाग से संबंधित मेरे पास आती रही हैं। उससे पैसे लेकर कुछ कतिपय अधिकारियों द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खेला जा रहा है। मैं इस संदर्भ में सिर्फ इतना ही अवगत कराना चाहूँगा कि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं, किसी भी विभाग में किसी भी स्तर पर कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल नहीं खेला जाएगा। पारदर्शी प्रक्रिया होगी, किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव में कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं की जाएगी। किंतु अगर इस तरीके की कोई भी शिकायत पाई जा रही है और उस पर एंटी करप्शन की टीम ने कार्रवाई की है, तो मैं बीएसए को तलब करके और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति आज शाम तक करूँगा।